अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज के इस DIY में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 2 साल की बच्ची का ब्लूपर बनाना, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर प्रिया भानु ने हमें कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि हम उन्हें वो बनाना सिखाएं। सो लेट्स बिगिन टुडेज DIY। व्यूवर्स ये देखें, हमारे पास यहाँ पे फैब्रिक है जो कि हमने जिसकी लेंथ और विड्थ कट कर ली है। इसकी लेंथ हमने ली है अबाउट 12 इंचेस। ये देखें 12 इंचेस तक इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी हमने 10 इंचेस ली है, यानी डबल में 20 इंचेस। अब हम इसकी कटिंग आपको समझाते हैं कि किस तरह से करनी है। जो इसकी यहाँ से 1 इंच है, ये देखें 1 इंच, इसको आपने फोल्ड करना है इस तरह से। ये आपने बनाना है नेफा, इसका 2 इंच तक निशान लगा लें फोल्डिंग हो, फोल्ड होके ये यहाँ तक का नेफा बनेगा। ये देखें, ये जो मार्जिन मैंने लगाया है ये इसके नेफे के लिए बनाया है। और नीचे की साइड से अब हम इसकी कटिंग इस तरह से करेंगे कि आप ये जो देख रहे हैं ये मार्जिन, इस पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। हम यहाँ से लेंगे 2 इंचेस का एक मार्जिन और यहाँ से भी 2 इंचेस का मार्जिन। इस मार्जिन में आपने एक ट्रायंगल बनाना है, ये देखिए इस तरह से। इस ट्रायंगल को आप हल्की सी, बहुत ही मामूली सी गुलाई दें, बहुत ही मामूली सी, ये देखिए। इसी तरह से इसके बिल्कुल सीध में आपने एक और निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से। इस निशान को आप स्ट्रेट ले आए इसके साथ, ये देखिए। इस निशान को यहाँ पे लाके आपने फिर से यही कर्व बनाना है, हल्का सा कर्व रोटेट करना है ऐसे, यहाँ से ऐसे हल्का सा, ये हो गया कट होने वाला। ये हो गया हमारा पाइंचा, जैसे कि इसमें हम लास्टिक भी डाल सकते हैं, इसमें हम कफ भी लगा सकते हैं नीचे की तरफ, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन हम पहले इसकी कटिंग कर लें। इसकी कटिंग जैसे कि बताई, इस तरह से इसको आपने हल्का सा गुलाई में कट करना है, ये देखिए लाइट सी। मैंने पूरा सर्कल नहीं बनाया, पूरा सर्कल इस तरह से होता है, ये देखिए इस तरह से पूरा सर्कल होता है। ये हल्का सा सर्कल है, लाइट सा। इसी तरह से मैं यहाँ से भी इसको कट कर लूँगी, ये देखिए ये हो गई कटिंग। और ये बनेगा इसका नेफा। अब हमें 2 स्ट्रिप्स चाहिए, ये देखिए ये स्ट्रिप्स का कपड़ा है मेरे पास, इसको मैं कट कर लूँगी। ये पाइंचे पे लगाना है, पाइंचे की साइड पे, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि कफ्स लगती हैं इस तरह से हम इसे लगाएंगे। ब्लूपर में चुने दे के लगा सकते हैं, आप चाहें तो लास्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत से जो न्यू बिगनर्स हैं वो लास्टिक लगा नहीं सकते, क्योंकि उसको पकड़ना, स्टिक करना थोड़ा सा टफ वर्क है। ये देखेंगे मैंने स्ट्रिप्स काटनी है, तो इनकी लेंथ भी 12 12 है और जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास है 3.5, लेकिन हम इसकी लेंथ कम करेंगे। आपके बेबी की जितनी थाई है उस हिसाब से आप इसकी मेजरमेंट कर लें। किसी के बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं तो वो इतनी सी, ये देखें बहुत थोड़ी सी, इतना से भी ये बना सकते हैं, कफ सा बना सकते हैं। अगर आपका बेबी मोटा है, यानी उसकी थाइस काफ़ी मोटी हैं, भरी भरी सी हैं, तो आप इसको इनक्रीज़ कर लें, यानी बड़ा बना लें, तकरीबन 10 इंचेस तक, 11 इंचेस तक बना लें। वैसे अदरवाइज छोटा बनाएं तो ज़्यादा प्यारा लगेगा, इसमें ज़्यादा चुनी आएगी। और कपड़े की विड्थ पे भी मुनहसर करता है कि आप इसमें कितनी चुने दे सकते हैं और ये कितना प्यारा ब्लूपर बन सकता है। ठीक है, अब आपको स्टिचिंग करना सिखाती हूँ कि इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है। ये देखें, हमने इसकी स्टिचिंग इस तरह से स्टार्ट करनी है कि ये वाली साइड जो है इसकी, ये स्ट्रेट साइड, ये देखें इस तरह से दोनों पीसेस की आपस में ज्वाइन करनी है, फ्रंट से भी और बैक से भी। इन दोनों को ज्वाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए हमने ये इसकी सिलाई कर लिया है, स्टिच कर लिया है इसे अच्छे से। अब हम इसे दोबारा से उसी तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखें ऐसे। ये इसकी आसन है। अब हम इसकी सिलाई लगाने से पहले यहाँ पे चुने देंगे, यानी कि हाथ की मदद से भी आप चुने दे सकते हैं या फिर मशीन में बड़ा बखिया करके धागा खींच के भी चुने दे सकते हैं। ये ब्लूपर बहुत सी तरह से सिलता है, बहुत से लोग तो इस तरह से भी करते हैं कि ये वाली साइड नहीं कट करते, इसको ऐसे ही ट्रायंगल बना लेते हैं और इसमें एक स्क्वायर पीस को इस तरह से लगाते हैं कि वो रुमाली की तरह से लगाते हैं, तो ये ब्लूपर उस तरह से भी रेडी हो सकता है। और भी बहुत से लोग इसे दूसरे दूसरे तरीके से बनाते हैं, सो उनके आप तरीके देख भी सकते हैं, लेकिन ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, कफ्स वाला। ये देखें, ये जो मैंने इसकी कफ बनाई थी, जब मैं इसमें चुने दे लूँगी तो ये इसको मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी जैसे कि कफ्स लगाते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से लगाना है। ये देखें हमने इसमें चुने दे ली हैं, अब हम इसमें ये जो कफ स्लिक्स लगाने हैं हमने, वो इस तरह से लगाएंगे कि ये देखें इसे खोल लें। आप इस बात का ख्याल रखें कि ये जो आपने चुने देने हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने सेंटर पीस में देनी है, यानी ये देखें इतने से पीस में आपने ज़्यादा चुने देनी है, और ये जो लास्ट पीस है इसको आप थोड़ा खुला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये ब्लूपर खुला इसलिए भी बनता है कि इसको लोग ज़्यादातर इस तरह यूज़ करते हैं कि जैसे बच्चों को पैम्पर्स पहनाते हैं तो उनको खुली खुली सी पैंटीज पहनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब इसको स्टिच इस तरह से करेंगे कि उल्टी साइड से, ये तो है सीधी साइड, ठीक है, इसको इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे पास इसकी उल्टी साइड है, यानी जहाँ सिलाइयाँ नज़र आती हैं। इसको यहाँ से स्टिच करने के बाद फ्रंट पे ले जाके इसे, ये देखिए इसे फ्रंट पे ले जाके स्टिच करेंगे इस तरह से के इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो ये नीट सा हमारे पास एक कफ बन जाएगा। ये मैं अब आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, हमने इसे फोल्ड करके इसके कफ्स लगा लिए हैं, जैसा कि आपको बताया था फ्रंट साइड है, ये सीधी साइड है। अब उल्टी साइड से हम इसकी इस तरह से सिलाई करेंगे कि ये जो इसकी आसन है इसकी इस तरह से वी शेप में ही सिलाई कर लेंगे। इसकी सिलाई करने के बाद हम यहाँ इसका नेफा बनाएंगे, जैसा कि नेफा बनाया जाता है अमूमन शलवारों में, ट्राउजर्स में। इसको फोल्ड करें बेंड करके इस तरह से और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लें। आप चाहे तो इसके बीच में एक इलास्टिक रख लें अपने बच्चे की वेस्ट के हिसाब से, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से इसमें ये काम कर लें। अगर आपने इलास्टिक नहीं डालना साथ, बाद में डालना है, तो इसमें छोटा सा गैप दे दें ताकि इलास्टिक डालने में आसानी रहे। अब मैं आपको इसको प्रॉपर स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, हमारा ये ब्लूपर अब रेडी हो चुका है, बेबी ब्लूपर। आई होप सो आपको ये अच्छा लगे और आपके बेबीज़ को ये सही आए। ये इसलिए इतना खुला होता है कि इसमें पैम्पर जैसे बेबीज़ को लगाते हैं तो ये कंफर्टेबल रहता है उन्हें, और इसकी आसन में आप डबल से ट्रिपल सिलाई लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे ये तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे टांगे वगैरह हिलाते हैं, अपनी उछल कूद करते हैं, तो उनकी ये शलवारों में भी डबल सिलाई लाजमी लगाया करें। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, खुशी मकबूल, अल्लाह हाफिज़।